गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं कलसुबाई ट्रैकिंग के लिए। हम लोग रात को निकल रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ जा रहे हैं, जो मुझे रिलेटिव्स के थ्रू पता चला था कि वो लोग कलसुबाई का प्लान कर रहे हैं। बस वीरार हाईवे से निकलेगी तो 10:30 को नाला सुबारा हाईवे से मेरा पिकअप है और मेरे फ्रेंड्स मीरा रोड से बैठेंगे। तो अभी बजे 9:30, अभी आधे घंटे बाद मैं निकलूंगी। मेरे कजिन भाई मेरे को छोड़ने आ रहे हैं हाईवे, और ये मेरा बैग भी रेडी है। अभी तो वजन नहीं लग रहा है, पानी आएगा तो शायद वजन हो जाएगा। ये टॉर्च रखना रह गया था, भी रख दिया है। खाने पीने का सामान भी रख दिया है, क्योंकि हम लोग का ब्रेकफास्ट ऊपर कलसुबाई के वहाँ टॉप पे पहुँचने के बाद होगा। A few moments later. तो गाइस 10 बज गए और मयूर भाई आ गए, नीचे वेट कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। टाटा टाटा बाय बाय। चलो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए नाला सुबारा हाईवे, और बारिश चालू थी तो हम लोग भीग गए। और मयूर भाई तो देखो पूरे भीग गए। भीगने का शौक नहीं, इसलिए भिगा है मेरे को। ये देखो चाय पी रहे छुपा के। ये काठियावाड़ी होटल और ये नाला सुबारा का सस्ता वाटरफॉल। दोंगरेश्वर का वाटरफॉल है। गाइज अभी मैं बस में बैठ गई और फ्रेंड्स भी आ गए। अभी हम लोग अंताक्षरी खेल रहे। गाइज अभी हम लोग खाने से बस चेंज कर रहे। अभी 2 बज रहे और हम लोग ने पेट्रोल पंप के बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया है। अभी वापस चलते। गाइज अभी हम लोग यहाँ पे विलेज में पहुँच गए और बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। 5:30 हुए, अभी थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। और ये अर्ली मॉर्निंग व्यू भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा गाँव इतना मस्त दिख रहा है। अभी यहाँ पे हनुमान मंदिर में दर्शन करके हम लोग निकलेंगे हमारे रूम की तरफ। ये हमारी पहली चाय। ये दर्शना दीदी, सुषमा, ऋतु। ऐसे हम लोग 3-4 बजे तक पहुंचने वाले थे, बट हम लोग को लेट हो गया तो हम लोग 5:30 बजे यहाँ पे पहुंचे। 1 घंटा चाय वाय पिया, रेस्ट किया और अभी ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। 7 बजे हमारे ट्रेनर हमें सब इंस्ट्रक्शन दे रहे चढ़ने के लिए। तो हमारे ट्रेनर के इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम लोग ने कलसुबाई के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले तो हमें ये बारी विलेज क्रॉस करना है। कलसुबाई महाराष्ट्र का हाईएस्ट पिक माउंटेन है, जिसे महाराष्ट्र का एवरेज भी कहा जाता है। कलसुबाई की हाइट 1646 मीटर है, यानी कि अराउंड 5400 फीट। ये पहाड़ का नाम कर्षुबाई करसु देवी के नाम पे ही रखा गया है। अभी ये कीचड़ और पत्थर वाले रास्तों की शुरुआत हो चुकी है। कैसा लग रहा है सुषमा? ओ बाद में। इतना ठंडा क्लाइमेट है गाइस, फिर भी इतना पसीना आ रहा है, सांस फूल रही है, पर हम ट्रैकिंग कंप्लीट करके रह गए गाइस। हम लोग को ट्रैकिंग करके 1 घंटा हुआ है, अभी तो और 2-3 घंटा है। तो अभी हम लोग ने 1 घंटे बाद रेस्ट लिया यहाँ पे कलसुबाई होटल में। अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके फिर निकलेंगे। बीच बीच में पहाड़ों में से हमें ऐसे ही वाटरफॉल दिख रहे जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये सामने वाले पहाड़ पे आपको बहुत सारे विंड मिल दिख रहे होंगे। गाइस हम लोग का सेकंड ब्रेक है, अभी तक 1.5 घंटा ही हुआ है। वैसे मुझे तो अभी एक ही लाइन याद आ रही है, रास्ते खूबसूरत है, मंजिल की अभी परवाह नहीं करते। तो चलो चलते। मैं तो पूरी लाल लाल हो गई हूँ। तो गाइज ये हमारा 3rd स्टॉप है। वैसे एक बात अच्छी है कि यहाँ पे 1-2 घंटे बाद स्टॉप है जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो। और ये व्यू तो कितना प्यारा लग रहा है सच में। अभी तक सब क्लियर दिख रहा था और 5 मिनट के अंदर ये फॉग भी आ गया। गाइस अभी थोड़ा थोड़ा बारिश चालू हो गया, अभी सिर्फ हम लोग को शायद 1-2 घंटा ही लगेगा। और ये हमारी पहली लोहे की सीढ़ी आ चुकी है। राइट। गाइस यहाँ से ऊपर तक बस सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ है। देखो आज संडे है और 15 अगस्त भी है, तो नीचे तक लाइन लगी हुई है। गाइस सच में ये इतना ब्यूटीफुल व्यू है ना, बट कैमरा में कुछ इतना दिख नहीं रहा है, पर सच में बहुत प्यारा दिख रहा है। ऊपर जाने के लिए 15 मिनट है तो विश्वास नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, भरोसा करना बिल्कुल भी नहीं। वो इसका मतलब होता है 1.5 से 2 घंटा 15 मिनट का, और अगर 5 मिनट बोलेगा तो आधा घंटा। कैसा फील हो रहा है अभी आपको? हम लोग को चढ़ने में कुछ नहीं लगा, थकावट तो उसकी नहीं हो रही थी, लेकिन एक्चुअली ये स्लीपरी है ना, तो उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। यार गाइस वहाँ पे वाइट फ्लावर्स है, बट फॉग की वजह से दिख नहीं रहे। ऊपर नीचे हर साइड बस फॉग ही फॉग है अभी। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट स्टॉप पे पहुँच नहीं आए, ये लास्ट स्टॉप है और इसके बाद आधे घंटे का रास्ता है। गाइस अभी 12 बजे और हमारा नाश्ता अभी हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी ऊपर पहुंचे। ये हमारी आज की दूसरी चाय। स्वर्ग का फोटो दिख रहा है ना, ऐसा स्वर्ग का सीढ़ी, स्वर्ग वो जगह ही किधर है यार। बस अब कुछ कदम और चलना है, फिर उसके बाद हम लोग हो गए कलसुबाई के टॉप पे। गाइस दूर दूर तक ना यही फ्लावर है, पूरी जगह इन फ्लावर से भरी हुई है और बहुत प्यारे लग रहे, पर फॉग की वजह से दूर तक इतना दिख नहीं रहा है। वो रहा टॉप, हमें वहां जाना है और ये है हमारी लास्ट सीढ़ी। A few moments later. यहाँ पे ये कर्षुबाई देवी के पैरों के निशान है ऐसा कहा जाता है। तो फाइनली 4-5 घंटों के बाद हम लोग टॉप पे पहुंच ही गए, और ये है कर्षुबाई देवी का मंदिर। गाइस अभी हम लोग ऊपर से नीचे, और हम लोग की हालत खराब हो गई ठंडी की वजह से। ये आज की तीसरी चाय। अभी हमारी गर्मा गर्म मैगी बन रही है। पहाड़ पे आए और मैगी नहीं खाई ऐसा तो हो नहीं सकता। Many hours later. गाइस अभी हम लोग 8 बजे नीचे आए और चेंज किया, अभी जा रहे खाना खाने। सच में मेरी फर्स्ट ट्रैकिंग इतनी ब्यूटीफुल थी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, वंडरफुल, क्या बोलूँ पता नहीं, बट बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। हम लोग ऊपर पहुंचे, उसके बाद इतनी जोरों से बारिश चालू गई कि मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। उसके बाद 3-4 घंटे कंटिन्यूस बारिश चालू थी और बहुत जोरों से हवा आ रही थी। हम लोग ने 2 बजे नीचे उतरने का स्टार्ट किया, उसके बाद 3 बजे के बाद हम लोग वो जो सीढ़ी उतरना था वहाँ पे फंस गए क्योंकि बहुत पब्लिक आई थी, तो सब एक साथ जमा हो गए थे। नीचे 10 मिनट में एक ही स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग का ज्यादा टाइम चला गया। बाद में उस सीढ़ी उतरने के बाद हम लोग आराम से नीचे आ गए, पर हम लोग को नीचे उतरने पे भी कम से कम 4-5 घंटे गए। कलसुबाई ट्रेकिंग मीडियम लेवल है, इतना हार्ड भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है। बस हमें एकदम फोकस के साथ चढ़ना और उतरना पड़ता है। चढ़ते उतरते वक्त सब लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, सब एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे थे। और अगर आप लोग रेनी सीजन में जाते हो तो विंड चीटर या रेनकोट तो कंपलसरी लेके ही जाना। हम लोग ने तो रेनकोट पहना था, फिर भी इतना कांप रहे थे। और घर पे आने के बाद सोते वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे गीले शूज ही पहने। अभी भी अगर आंखें बंद करूँ तो वही सब दिखता है, पत्थर, वाटरफॉल, कीचड़ वाला रास्ता, सीढ़िया, वो फॉग वाला व्यू, सब इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो गाइज, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।